हेलो दोस्तों, एक प्रोसेस इंजीनियर और एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए पीआईडी कंट्रोलर और उसकी ट्यूनिंग एक टिपिकल टास्क होता है, क्योंकि पीआईडी कंट्रोलर से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी तय होती है कि मार्केट में अच्छे से बिकेगा नहीं बिकेगा। और मान लो अगर ये अच्छी तरह से ट्यून नहीं है तो हो सकता है आपकी एनर्जी और रॉ मटेरियल भी वेस्ट हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो पीआईडी कंट्रोलर है जिस भी प्रोसेस में है वो अच्छी तरह ट्यून होना चाहिए। पर हमें ये पता होना चाहिए कि आपका जो पीआईडी कंट्रोलर है वो किस कंडीशन में कैसे कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब जो प्रोसेस में चेंजेस होते हैं वो पीआईडी कंट्रोलर आपका कोप अप कर पाता है या नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि किस तरह की कंडीशन प्रोसेस में हो सकती है। यहाँ साइड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पहला है स्टेप चेंज। स्टेप चेंज जनरली क्या होता है कि ऑपरेटर जब सेट पॉइंट चेंज करता है तो पीआईडी कंट्रोलर को एक स्टेप चेंज फेस करना पड़ता है, और या फिर किसी अननोन रीज़न से आपके प्रोसेस वेरिएबल में, मतलब जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है या वाट एवर, उसमें अगर सडन चेंज होता है तो पीआईडी कंट्रोलर को वो उसको कॉप अप करना पड़ता है और उसको ट्यून करके सेट पॉइंट पे लाना होता है। तो दो कंडीशन है, या तो सेट पॉइंट चेंज होगा सडन, या फिर प्रोसेस कंडीशन चेंज होगी, प्रोसेस वेरिएबल चेंज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना रैम चेंज। अब रैम चेंज भी की दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपको प्रोसेस को सेट पॉइंट लीनियरली प्रोग्राम होगा तब पीआईडी कंट्रोलर को ये रैम चेंज फेस करना पड़ेगा, या फिर किसी अननोन रीजन से आपका जो प्रोसेस वेरिएबल है वो लीनियरली चेंज होगा टाइम के साथ। ठीक है, और तीसरा इनपुट है साइनोसोइडल इनपुट। अब साइनोसोइडल इनपुट में क्या होता है, आपका जो वेरिएबल है, प्रोसेस वेरिएबल है, वो साइन फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, साइक्लिकली साइन फंक्शन के में वेरी होता है। तो मेजरली ये तीन इनपुट्स चेंजेस चेंज इनपुट हो सकते हैं एक प्रोसेस में। तो स्टेप चेंजेस जो मैंने पहले बताया वो 90 से 95% तक कंट्रीब्यूट करता है। तो जो पीआईडी कंट्रोलर एक स्टेप चेंज को हैंडल कर लेता है वो लीनियर रैंप या फिर साइनोसोइडल इनपुट को इजीली कवर कर लेता है। चलिए एक लाइव एग्जांपल के साथ देखते हैं ये पीआईडी कंट्रोलर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। चलिए अपनी जनरल लाइफ से एक लाइव एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझ पाएं कि पीआईडी कंट्रोलर कैसे रेस्पॉन्ड करता है। मान लीजिए एक बढ़िया फोर लेन हाईवे पे एक कार में चार जने बैठ के आराम से जा रहे हैं। तो जनरली ड्राइवर को एक स्पीड मेंटेन करनी है, हाईवे पे लिखा हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ड्राइवर ये साइन बोर्ड पढ़ लेता है और दिमाग में बिठा देता है कि मेरे को 80 किलोमीटर की स्पीड पर ही चलना है। ठीक है, अब वो क्या करता है कि सपोज कार चल रही है 80 किलोमीटर की स्पीड पर, सब बैठे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चल रही है। अब इसमें आप एक बात नोट कर दीजिए, हम कैसे इसको कोरिलेट करेंगे, जो स्पीडोमीटर है वो आपका मेजर्ड वेरिएबल है, मतलब प्रोसेस वेरिएबल है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, सेट पॉइंट उस ड्राइवर के दिमाग में है जो कार चला रहा है। अब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जिससे मैं स्पीड कम ज़्यादा करूँगा वो है मेरा एक्सीलेटर और ब्रेक, जिसको मैं रेस्पॉन्ड करके स्पीड कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, अब गाड़ी चली जा रही है आराम से, सडन ड्राइवर नोट नहीं कर पाता है कि स्पीड ब्रेकर आ जाता है, पर जैसे ही एकदम पास आ जाता है स्पीड ब्रेकर, वो देख लेता है। अब क्या है, उसके दिमाग में एकदम से सेट पॉइंट चेंज हो जाएगा, मतलब उसको अभी स्पीड का जो सेट पॉइंट है कम करना है। ये आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे ही कार ब्रेकर के पास पहुंचती है ड्राइवर एकदम से रेस्पॉन्ड करता है कि अपना स्पीड सेट पॉइंट कम कर लेता है। तो उसके ड्राइवर के दिमाग में क्या है, एक स्टेप चेंज आया। तो क्या करेगा ड्राइवर, एकदम से अपना एक्सीलेटर से पैर उठाएगा और ब्रेक पे रख देगा ताकि स्पीड कम हो जाए। तो ये बेसिकली क्या है, ये डेरिवेटिव कंट्रोलर का रिस्पॉन्स है। इसमें क्या करता है कि जैसे ही ड्राइवर नोट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर एकदम सडन है, मतलब एक तरह से इन्फाइनाइट ही है, तो क्या करता है, अपना जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है मिनिमम पे ले आता है, एक्सीलेटर छोड़ देता है और आपका जो ब्रेक है ब्रेक दबा देता है और स्पीड कम कर लेता है। तो स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके जैसे ही वो उतरता है उसके बाद डेरिवेटिव कंट्रोलर एक्शन का रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई डेरिवेटिव एक्शन का कोई रोल नहीं है। अब वो वापस देखता है कि रोड नॉर्मल है, अब रोड नॉर्मल है तो ड्राइवर फिर अपना सेट पॉइंट चेंज करता है कि मेरे को वापस 80 पे चलना है। फिर क्या करता है ड्राइवर, अपना एकदम से एक दोबारा स्टेप चेंज लेता है। नोट करिए बात, जैसे ही ड्राइवर स्पीड ब्रेकर चेंज करता है उसका सेट पॉइंट वापस कम स्पीड से एकदम वापस 80 पे आ जाता है। सपोज 10 स्पीड आ गई थी उसकी स्पीड ब्रेकर के बाद, फिर वापस अपना सेट पॉइंट 80 पे लाता है, तो अगेन एक स्टेप चेंज होता है। तो स्टेप चेंज होने से आप साथ में कंट्रोलर का रिस्पॉन्स देखिए कि वो कंट्रोलर कैसे रेस्पॉन्ड करता है। तो वो जैसे ही ड्राइवर उसको वापस पेडल एकदम से प्रेस करता है, क्योंकि जैसे ही स्टेप चेंज हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर एकदम सडन बढ़ गया, तो ड्राइवर ने क्या किया, वापस पेडल दबा दिया। जैसे ही वापस
80 की स्पीड आने लगी, उसने प्रोपोर्शनली अपना जो है एक्सीलेटर का पेडल है वो एडजस्ट कर लिया, तो वापस अपने नॉर्मल 80 पेस पे आ गया। तो इसमें आप दो एक्शन नोट करेंगे, एक तो डेरिवेटिव, दूसरा प्रोपोर्शनल। तो एक बात आपने नोट करी होगी, अगर कोई भी सडन स्टेप चेंज आता है तो स्टेप चेंज में क्या होता है, सबसे पहले आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर एकदम से पीक शूट कर दिया या एकदम कम हो जाती है, तो डेरिवेटिव एक्शन आपका रेस्पॉन्स करेगा। उस केस में क्या होगा, आपका जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है या तो एकदम मैक्सिमम की तरफ भागेगा या तो मिनिमम की तरफ, ये डिपेंड करता है कि आपका कंट्रोलर जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग है या रिवर्स एक्टिंग है, ठीक है। तो डेरिवेटिव एक्शन है, डेरिवेटिव एक्शन तभी तब तक रेस्पॉन्ड करता है जब तक रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर प्रेजेंट है। जैसे ही रेट ऑफ चेंज कॉन्स्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव एक्शन का काम खत्म, फिर जो कमान है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के हाथ में आ जाती है, फिर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर अपना सिंपली एरर से गेन मल्टीप्लाई करके आउटपुट जनरेट करता है ताकि मेरा सेट पॉइंट अचीव हो जाए। तो ये थोड़ा अपना पीडी रिस्पांस, बेसिकली डेरिवेटिव प्लस प्रोपोर्शनल। अब आप इसमें पूछेंगे कि इसमें इंटीग्रल तो आया ही नहीं। जी यहाँ पे इंटरनल इंटीग्रल की जरूरत ही नहीं ना, जनरली इंटीग्रल एक्शन जो है वो लोड चेंज के लिए यूज करते हैं। लोड चेंज मतलब कि एक हाइपोथेटिकल एग्जाम ले लेते हैं, सपोज कार के ऊपर सडन मैंने एक हाथी बिठा दिया, देख रहे हैं। अब आप नोट करिए एक चीज, जो ड्राइवर पहले एक्सीलेटर पेडल को जिस पोजीशन में रख के 50 की स्पीड या 80 की स्पीड चला रहा था, ठीक है, क्या वो अब लोड बढ़ने से उस पोजीशन में एक्सीलेटर की पोजीशन में वो कार 80 की स्पीड पे चल पाएगी? नहीं, वो एक स्टेडी स्टेट पे आ जाएगी बट वो अपने सेट पॉइंट पे नहीं चल पाएगी। तो जो ये डिफरेंस रह जाता है मेरा सेट पॉइंट और आपका जो नेक्स्ट जो न्यू स्पीड आई मेरी लोड चेंज के साथ, उस डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए हम इंटीग्रल एक्शन कंट्रोलर यूज करते हैं। इंटीग्रल एक्शन क्या करता है, इस एरर को मतलब पास्ट की एरर को टोटलाइज करके एक नया कंट्रोल एक्शन जनरेट करता है ताकि मेरा वापस सेट पॉइंट अचीव हो जाए। इसको और बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं। चलिए दोस्तों एक अपन इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक टैंक है जिसमें पानी या कोई लिक्विड है, गर्म हो रहा है, अपने को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करना है और वो अचीव्ड है, सेट पॉइंट ऑलरेडी अचीव्ड है। उस टाइम मेरी फाइनल कंट्रोल एलिमेंट या वाल्व या जो भी हीटिंग मीडिया है उसकी पोजिशन मान लेते हैं 50% है, ठीक है। अब उस टैंक में क्वांटिटी फिक्स है मेरी, अब इसमें लोड चेंज कहाँ हो सकता है, लोड है मेरा उसमें लिक्विड या जो वाटर है, पहले एक फिक्स क्वांटिटी, सपोज अब किसी अननोन रीजन से मेरी उसमें जो टैंक में क्वांटिटी बढ़ जाती है, अब बढ़ने से क्या होगा, मुझे 100 डिग्री अगर टेम्परेचर लाना है तो मेरे वॉल की नई एक पोजीशन आनी चाहिए, बट क्योंकि मेरे वॉल की जो पोजीशन है वो एरर के अकॉर्डिंग ही फिक्स है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोल है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल कंट्रोल होने से क्या होता है, जो एक एरर जनरेट हुई, सपोज मेरी क्वांटिटी पानी की बढ़ गई और नया जो टेम्परेचर जो सेट हुआ मेरा 80 डिग्री आ गया, अब 80 डिग्री के हिसाब से जो वॉल की पोजीशन फिक्स है प्रोपोर्शनल गेन के हिसाब से या प्रोपोर्शनल बैंड के हिसाब से, वो नई पोजीशन आ जाएगी, तो पानी का टेम्परेचर एक स्टेडी स्टेट एरर के साथ स्टेबल हो जाएगा, बट मेरा सेट पॉइंट 100 है। अब 100 होने से क्या होगा कि एक गैप रह जाएगा, प्रोपोर्शनल कंट्रोल में यही प्रॉब्लम है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर वहीं बढ़िया काम करता है जहां लोड चेंजेस नहीं है, मतलब लोड ऊपर नीचे नहीं होता, लोड फिक्स है तो एक कंट्रोलर की पोजीशन फिक्स रहती है, कंट्रोल वाल की पोजीशन फिक्स रहती है एरर के हिसाब से और वो कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। अब नई पोजीशन आ गई मेरी सपोज 80 पे, अब मुझे 20 डिग्री का एक स्टेडी स्टेट एरर आ जाता है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसमें एक इंटीग्रल एक्शन और ऐड कर दूंगा। इंटीग्रल एक्शन ऐड करने से क्या होगा, इंटीग्रल एक्शन का काम क्या है, जो पास्ट की एरर है, पास्ट में जो एरर है, जो स्टेडी स्टेट एरर है, उसको वो टोटलाइज करता है, वो हमेशा मॉनिटर करता चलता है कि मेरी पास्ट की एरर क्या थी, वो पास्ट की एरर के हिसाब से ही कंट्रोल एक्शन जनरेट करता है और प्रोसेस वेरिएबल को वापस सेट पॉइंट पे ले आता है, क्लियर। तो ये है लोड चेंजेस जी। अब अपन ने पीडी का रेस्पॉन्स देख लिया, पीआई का रेस्पॉन्स देख लिया, पीआईडी, पीआईडी में हम अज्यूम कर लेते हैं वापस नई पोजिशन, कार है जा रही है, स्पीड ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर से आपने डेरिवेटिव एक्शन एक्टिव होने के बाद वापस प्रोपोर्शनल से 80% या जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो अचीव कर ली, फिर सडन कार जा रही थी अचानक से एकदम चढ़ाई आ गई। अब चढ़ाई आ गई तो एक नया इनपुट आ गया, ये है मेरा रैम चेंज।
अब रैम चेंज में क्या है, मेरे दो एक्शन एक्टिव हो जाते हैं, एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर चेंज हुई मेरी, ठीक है, तो वहाँ पे डी एक्शन एक्टिव होगा। अब रैम मतलब चढ़ाई आ गई कार में, लोड आपका फिक्स है, चार आदमी अंदर बैठे हैं, ठीक है, अब क्या होगा कि मेरी कार चलेगी तो मेरी जो एक्सीलेटर की पोजीशन है उस पोजीशन पे अगर मैं कार चलाऊंगा तो चार जने उस चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाएंगे, स्पीड कम हो जाएगी मेरी, तो क्या करना पड़ेगा, मेरा इंटीग्रल एक्शन यहाँ काम आएगा। अब इंटीग्रल एक्शन में क्या होता है कि वो स्टेडी स्टेट कम करने के लिए जो एक्सीलेटर की पोजीशन है नई पोजीशन ले लेता है, नई पोजीशन लेने से क्या होगा, जो एक एरर रह गई थी मतलब जो स्पीड में डिफरेंस आ गया था उसको उसने कंट्रोलर ने या ड्राइवर ने टोटलाइज कर लिया, देखा कि मुझे यार एक्सीलेटर ज़्यादा दबाना पड़ेगा तभी 80 की स्पीड आ सकती है, तो उसने नई जैसे ही एक्सीलेटर पुश किया नई पोजीशन पे 80 की स्पीड आ गई, तो ये पीआईडी का कंबाइंड रिस्पॉन्स होता है। अब आगे के लेसन में अपन देखते हैं कि कहाँ पे पी, कहाँ पे डी, कहाँ पे आई यूज़ करना है। दोस्तों डी एक्शन जो है वो ये देखता है कि आपके प्रोसेस की जो एरर है वो कितनी फास्ट चेंज हो रही है, ये अकॉर्डिंगली उतना ही क्विकली कंट्रोल आउटपुट जनरेट करता है और आपके प्रोसेस को स्टेबल कर देता है। साथ ही ये भी प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में कितना फ्लक्चुएशन आ सकता है, वो ये देखता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट करता है और फ्यूचर में होने वाली डिस्टर्बेंस को पहले ही कंपनसेट कर लेता है। ये डी एक्शन की खास बात है कि बहुत फास्ट है, क्विकली कंट्रोल वेरिएबल को सेट पॉइंट के पास में ले आता है। और दूसरा इसमें एक और बात है कि ये स्लो रिस्पॉन्स वाले प्रोसेस में ही बहुत बढ़िया काम करता है, फास्ट चेंजिंग जो रिस्पॉन्स वाले प्रोसेस हैं उसमें जनरली ये अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें आउटपुट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाते हैं और आपके फाइनल कंट्रोल एलिमेंट पे VATR बढ़ जाता है। जो इसके साथ प्रॉब्लम एसोसिएटेड वो ये है कि ये स्लो रिस्पॉन्डिंग प्रोसेस में ही यूज़ होता है, तो बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल लूप जो है वो डी एक्शन जरूर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आपका RTD का या थर्मोकोपल का कंट्रोल इनपुट होता है वो बेसिकली स्लगिश होता है और लीनियरली चेंज होता है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं, तो टेम्परेचर के लिए बेस्ट सुटेड है। लेवल में क्या होता है कि जनरली जो टैंक्स हैं जहाँ पे बॉइलिंग लिक्विड्स या वाटर्स हैं वहाँ पे लेवल फ्लक्चुएट करता है, फिर इसमें अगेन वही नॉइजी सिग्नल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, इससे आपका जो आउटपुट है फ्लक्चुएट करता रहता है, इस कारण इसको ऐसी जगह यूज़ नहीं करते। हाँ, लेकिन जहाँ लेवल स्मूथ है वहाँ आप इसको डी को यूज़ कर सकते हैं। अगेन फ्लो भी नॉइजी सिग्नल है, तो फ्लो में भी जनरली डी एक्शन बहुत ही कम यूज़ करते हैं। अगर आपका फ्लो गैस फ्लो है तो गैस फ्लो जनरली लेस फ्लक्चुएशन होते हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर में भी यही है, अगर आपका प्रेशर फ्लक्चुएटिंग है तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि आप जिस कंट्रोल वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे हैं वो अगर फ्लक्चुएटिंग है या नॉइजी है तो वहाँ आपको डी एक्शन नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल इसको ज़ीरो रखना है। तो ये तो हुआ डी एक्शन। अब बात करते हैं प्रोपोर्शनल एक्शन की। प्रोपोर्शनल बेसिकली जो एक्शन है वो एक तरह से एरर को कॉपी करता है, बस गेन से मल्टीप्लाई कर देता है। जिस शेप में आपकी एरर है, स्टेप है, लीनियर है, साइनोसॉइडल है, वो उसको मल्टीप्लाई करके गेन से और आउटपुट जनरेट करता है। अब इसमें एक बात क्या है कि जो गेन है वो आप एडजस्ट करके कंट्रोल आउटपुट एक्शन को घटा बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसको जब आप इन्वर्स प्रोपोर्शनल करेंगे तो इसको प्रोपोर्शनल बैंड भी बोलते हैं। प्रोपोर्शनल बैंड में क्या होता है वो ये बताता है कि मेरा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट मिनिमम से मैक्सिमम अगर चेंज होगा तो मेरा कंट्रोल वेरिएबल सेट पॉइंट के अराउंड कितना चेंज होगा। तो इसको कम ज़्यादा करके आप बैंड को कम ज़्यादा कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप कंट्रोल वेरिएबल को सेट पॉइंट के नियर ला सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये लोड चेंजेस को रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल बताया कि अगर लोड चेंज होता है कम या ज़्यादा होता है तो ये स्टेबल तो कर लेता है कंट्रोल वेरिएबल को, बट वो सेट पॉइंट के ऊपर या नीचे जाके स्टेबल होता है, तो ऑफसेट की रेट होता है जिसको स्टेडी स्टेट एरर भी बोलते हैं। अब इसको हटाने के लिए क्या करना है, इंटीग्रल एक्शन हम यूज़ करेंगे। इंटीग्रल एक्शन जनरली वहीं यूज़ करते हैं जहाँ लोड चेंजेस इनवेरिएबली होते रहते हैं, छोटे मोटे बहुत सारे आपके प्रोसेस कंडीशन में बहुत सारी डायनेमिक कंडीशन होती है जिसके कारण लोड चेंजेस होते हैं, तो पी को आई के साथ यूज़ करना ही एडवाइजेबल है। अब इसमें क्या है कि आपका जो टाइम है वो मिनट्स पर रिपीट में होता है, ये बेसिकली ये प्रेडिक्ट करता है। सपोज मैं बोलता हूँ 1 मिनट्स पर रिपीट, तो ये इंटीग्रल एक्शन क्या करता है, 1 मिनट में जितना प्रोपोर्शनल एक्शन आउटपुट जनरेट करता है उतना ही ये 1 मिनट में प्रोपोर्शनल आउटपुट एक्शन जो है आपका आउटपुट एक्शन जनरेट करेगा। सपोज अभी मैं बोलता हूँ 5 मिनट पर रिपीट, तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रल एक्शन 5 मिनट में प्रोपोर्शनल कंट्रोल के बराबर एक्शन जनरेट करेगा। तो ये थोड़ा रिवर्स हो जाता है, मतलब अगर आपका इंटीग्रल एक्शन टाइम ज़्यादा है
तो जो इंटीग्रल एक्शन है वो स्लोअर चलता है, अगर आपका कम है तो आपका इंटीग्रल एक्शन स्ट्रांग रहता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वो आप क्लियर कर लीजिए। अब इसके आगे हम देखेंगे कि पीआईडी कंट्रोलर की जनरली ट्यूनिंग कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बट प्रोसेस डायनेमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं। तो बेसिकली हमारा काम है कि जो है कंट्रोल वेरिएबल सेट पॉइंट के आसपास आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका जो कंट्रोल वेरिएबल है उसको पहले एक पीआईडी कंट्रोलर को इसके आउटपुट को लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने से क्या होगा कि आपका प्रोसेस आपको ये डिसाइड करेगा कि मेरी जो दो कंडीशन है मिनिमम मैक्सिमम उसके बीच में ही रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इंटीग्रल एक्शन और डेरिवेटिव टाइम को आप जीरो कर लीजिए, फिर प्रोपोर्शनल गेन को आप स्लोली ऐसे बढ़ाएं कि आपका जो कंट्रोल वेरिएबल है वो सेट पॉइंट के आगे पीछे हंटिंग करने लग जाए। हंटिंग भी इतना फास्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फास्ट हंटिंग होगी तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट पे बी ए टी आर बढ़ जाएगा, मतलब जो आपका डेम्पर या एक्चुएटर है वो बहुत ही फास्ट ऑपरेट करेगा, तो उसका मेंटेनेंस आपका बढ़ जाएगा। तो आपको एक कंप्रोमाइज एस्टेब्लिश करना है, न ज़्यादा कम न ज़्यादा ज़्यादा। तो उसमें क्या करना है कि प्रोपोर्शनल एक्शन सेट करने के बाद आपका जो कंट्रोल वेरिएबल है सेट पॉइंट के अराउंड फ्लक्चुएट करने लगेगा। फिर आप डी एक्शन को सपोज ज़्यादा रखिए, क्योंकि स्लोअर से स्टार्ट करके स्ट्रॉन्ग की तरफ लाना है। तो ज़्यादा रखेंगे तो डी आपका आई एक्शन है वो स्लोअर रहेगा। तो स्लोअर से करते करते धीरे धीरे आप उसको 1 मिनट पर रिपीट की तरफ लाएं। तो इससे क्या होगा, जो एरर है वहाँ पे जो हंटिंग है वो हंटिंग जो है आपकी सेट पॉइंट के अराउंड बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका थोड़ी देर में एक फाइनल कंट्रोल सेट पॉइंट के अराउंड एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब आगे हमें ये करना है कि इंटेंशनली एक जरा सा सेट पॉइंट चेंज लेना है आपने ओ पी आई डी में। कुछ भी आप सेट 5 या 10 का टीपीए जो भी है आपका सेट पॉइंट ऊपर नीचे कर लीजिए। इससे क्या होगा, डी एक्शन आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। अगर आपका कंट्रोल लूप जल्दी से स्टेबल हो जाता है तब तो डी एक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं सेट पॉइंट को अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो आप डी एक्शन को धीरे धीरे वेरी करिए और एक कंट्रोल कंडीशन लाएं जहां पे आपका सूटेबल काम करता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो, हमें जरूर कमेंट में बताएं और अपने इंजीनियर्स फ्रेंड को ये जरूर फॉरवर्ड करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। और दूसरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे लाल प्रेस पर रख के। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।